दोस्तों, जी हाँ, दे दिया ना झटका। आरसीबी ने एक बार फिर से मात दे दी है दिल्ली को। तो दोस्तों, मैंने प्रिडिक्शन दी थी कि आरसीबी मुकाबला जीतेगी, दिल्ली हारेगी। तो 47 रनों से आरसीबी ने हरा दिया है दिल्ली को, 47 रन से, जी हाँ, मात दी। और प्लेऑफ की रेस में आरसीबी, जी हाँ, बरकरार, उसकी उम्मीदें जिंदा हो गई एक बार फिर से। तो दोस्तों, पहले बल्लेबाजी की आरसीबी ने, जहाँ 187 रन बनाए, विराट कोहली 27 रन बनाकर उठ गए, लेकिन 3 छक्के उन्होंने लगा दिए। प्रेडिक्शन दी थी मैंने कि कोहली शायद ज़्यादा रन नहीं करेंगे, तो कोहली का जल्दी विकेट गिरा, डुप्लेसिस भी जल्दी आउट हुए। लेकिन जो दो बल्लेबाज मैंने प्रेडिक्ट किए थे, रजत पाटीदार और विल जैक्स, जी हाँ, इन दोनों ने की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। पाटीदार, जी हाँ, एक बार फिर से 30 गेंदों पर 52 रन बनाए इन्होंने, 5 छक्के जड़े, इन्होंने ज़बरदस्त इनिंग खेली। इसके अलावा विल जैक्स ने 41 रन बनाए, इन्होंने 3 छक्के 3 चौके लगाए। तो आरसीबी की टीम, जी हाँ, ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही थी। इन दोनों का विकेट गिरने के बाद मैंने एक प्लेयर को और प्रिडिक्ट किया था, जी हाँ, एक प्लेयर, इंपैक्ट प्लेयर, जी, कैमरून ग्रीन। मैंने बोला था कैमरून ग्रीन के बारे, तो कैमरून ग्रीन ने कल 33 रन की पारी खेली, जी हाँ, इन्होंने भी 2 छक्के लगाए, लंबे छक्के थे, कुलदीप यादव को 2 छक्के जड़े इन्होंने, और आरसीबी 187 रन बनाया। तो आरसीबी की तरफ से खलील अहमद ने कल 2 विकेट निकाले। और इसके बाद बारी आती है दिल्ली की, दिल्ली की बल्लेबाजी, जी हाँ, शुरू से ही फ्लॉप रही। डेविड वार्नर कल शामिल किए गए थे, 1 रन बनाकर आउट हो गए, और जैक फ्रेजर, जी हाँ, ये रन आउट हो गए। यश दयाल ने इनको अपने ही बॉलिंग मार्क पे रन आउट कर दिया। तो दिल्ली की टीम बैकफुट में हो गई। अक्षर पटेल एक ऐसे बल्लेबाज थे जो कल कैप्टेंसी भी कर रहे थे दिल्ली की, तो अक्षर पटेल ने 57 रन की पारी खेली, 3 छक्के 3 चौके जड़े, लेकिन दिल्ली को जिता नहीं पाए। दिल्ली की पूरी टीम, जी हाँ, 140 रनों पर ढेर हो गई, सिमट गई, और ये मुकाबला आरसीबी ने 40 रन से जीत लिया है। तो दोस्तों, आरसीबी की ये जीत के साथ प्लेऑफ की रेस में वापस आ गई है। सीएसके ने भी कल हरा दिया, जी हाँ, 5 विकेटों से राजस्थान को। तो सीएसके की टीम वापस आ गई है एक बार फिर से प्लेऑफ की रेस में। कल सीएसके की तरफ से ऋतुराज ने 42 रन बनाए, मैंने प्रेडिक्शन दी थी, और 18 रन बनाए मोइन अली ने, 22 रन बनाए डैनियल मिशेल ने। तो सीएसके ने 5 विकेट से मात दे दी आरआर की, बल्लेबाजी कल फ्लॉप रही। रियान प्रयाग ने 47 रन बनाए, लेकिन 35 गेंदें ले ली, काफ़ी धीमी बल्लेबाजी की कल राजस्थान के बल्लेबाजों ने। बटलर 21, जायसवाल ने 24 रन बनाए, और पूरी टीम मात्र 141 रन बना पाई। तो राजस्थान की एक और हार हुई, सीएसके की जीत हुई, आरसीबी भी जीता। तो मेरी बताई गई दोनों टीमें ने, जी हाँ, दोनों प्रेडिक्शन भी सही हुई, और ये मुकाबला आरसीबी और सीएसके जीत गए हैं। तो दोस्तों, प्लेऑफ की रेस, जी हाँ, ज़बरदस्त। अब कौन सी टीम जा रही है, नेट रन रेट तो कल सीएसके का अच्छा हुआ है, तो माही की टीम बढ़ गई है सेमीफाइनल की तरफ, वहीं आरसीबी भी जिंदा है अभी प्लेऑफ की रेस में। तो आईपीएल ये और ज़बरदस्त हो रहा है, और कुछ मज़ा आने वाला है आने वाले मैचों में। तो हैदराबाद की जो टीम है वो भी ये अभी आईपीएल की रेस में है। तो कौन सी टीम जा रही है सेमीफाइनल में, कुछ नहीं पता, केवल केकेआर की टीम ऐसी है जो सेमीफाइनल में पहुँच चुकी है। तो दोस्तों, जो अभी मेरे चैनल पर नए हैं या फिर जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल पर नए हो। मेरी प्रेडिक्शन आप जाके देख लीजिए, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अभी आज का जो मुकाबला है, जी हाँ, केकेआर और गुजरात के बीच में, जी, एक ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। तो दोस्तों, इस मुकाबले की प्रेडिक्शन, जी हाँ, मैं देने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं, गुजरात की बल्लेबाजी एक बार फिर से डिपेंड करेगी गिल के ऊपर, सुदर्शन के ऊपर। मैं बताता आता हूँ कि गिल और सुदर्शन, जी हाँ, अगर ये रन बनाएंगे तो फिर गुजरात जीतेगी, अदरवाइज इनके जल्दी विकेट निकल गए तो फिर गुजरात हार जाएगा मुकाबला। वहीं केकेआर की टीम जो पहले से ही प्लेऑफ में बैठी हुई है, तो इस टीम को, जी हाँ, ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रही है सुरेश अय्यर हो या फिलिप साल्ट, नारायण हो, वेंकटेश अय्यर फॉर्म में आ गए हैं, रसेल और रिंकू सिंह का भी बैट चल रहा है, मिस्टर स्टार्क अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, वैभव अरोड़ा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती, जी हाँ, ये तो अपनी फिरकी में फंसा रहे हैं। तो गुजरात की टीम अगर ये मुकाबला जीतना चाहती है, तो फिर से शुभमन गिल, साई सुदर्शन, डेविड मिलर, तेवटिया, इनको रन बनाने पड़ेंगे। राशिद खान को कुछ ज़बरदस्त गेंदबाजी करनी पड़ेगी। मोहित शर्मा, जी हाँ, पिछले मुकाबले में 3 विकेट निकाले। तो दोस्तों, ये मुकाबला कौन जीतेगा अभी 50-50 है शायद, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन गोज विद केकेआर। केकेआर की टीम एक और मुकाबला जीतेगी और अपनी टीम को और मजबूत करेगी। तो दोस्तों, कल सीएसके की जीत हुई 5 विकेटों से, जिसमें सिमरजीत ने ज़बरदस्त गेंदबाजी करी, जी हाँ, 3 विकेट निकाले, मैन ऑफ द मैच रहे। इसके अलावा आरसीबी का जो मैच था दिल्ली के साथ, उसमें जो मैन ऑफ द मैच कैमरून ग्रीन रहे, 1 रन आउट किया, 2 विकेट निकाले। इसके अलावा 33 रन की पारी भी खेली। तो सीएसके और आरसीबी जीत गई मुकाबला, और आज कलकत्ता जीतेगी। तो प्रेडिक्शन कोलकाता के साथ जा रही है।
मेरे लाइव पे आइए शाम 7 बजे, क्रिकेट लॉन्ड्री पर ऐसे बने रहिए। और दोस्तों जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हो तो मेरी प्रेडिक्शन देखिए जाके, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। शाम को मिलेंगे लाइव पे टॉस की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।